पंजाब के शिवसेना के लीडर सुधीर सूरी जिनकी गोली मार कर कल हत्या की जाती है। पुलिस के मौजूदगी के बाद भी ये वारदात जो है वो पेश आती है। और वहीं पर बात करें कि वो एक प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शन पे बैठे थे, उसी के चलते भीड़ में से गुजर कर उन पर गोलियां चलाई जाती है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बजरंग दल के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की बात करें तो तस्वीरें हाथों में लिए थामे हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो पंजाब के सीएम भगवंत मान की बात करें तो उनकी भी तस्वीरें लिए हाथों में थामे हैं। जिस तरीके से ये कल वारदात पेश आती है उसके चलते कई सारे ऐसे प्रदर्शन जो है वो भी देखे गए हैं। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, भगवंत मान, आम आदमी पार्टी, 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 आम आदमी पार्टी। बजरंग दल ने साधा आम आदमी पार्टी पर निशाना। आगे कहाँ जा रहे हो? अरविंद केजरीवाल और भगवान मान के लिए हुए हैं और लगातार यहाँ पर अरविंद यहाँ पर वो देख नहीं रहे कि क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, किस प्रकार से लगातार खिलाड़ियों को, हिंदू नेताओं को टारगेट करके उनकी हत्या की जा रही है। ये कतई सहन नहीं की जाएगा। हिंदू नेताओं की हत्या हम कतई सहन नहीं करेंगे। अगर इस प्रकार से हिंदू नेताओं की हत्या होती रही, फांसी की सजा दी जाए। अगर ऐसा नहीं किया तो पंजाब सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम हिंदू समाज करेगा। अरविंद केजरीवाल, किसी ने गोली नहीं चलाई, यह भी प्रश्न चिन्ह है। एक जो वहाँ पर डीएसपी वो सामने नजर आ रहा वीडियो में, दो एसएचओ, उसके अलावा दर्जनों जो है वो पुलिस के जवान, पंजाब पुलिस के बस सब खड़े थे। अरे क्यों देखते रह गए? इसका मतलब वो कहीं ना कहीं सरकार से उनको आदेश थे कि उनको गोली नहीं चलानी है। और जो सुधीर सूरी के उनको नहीं मारना, ऐसे आदेश जो है हमें लगता है उनको मिले हुए थे। और उनको बचाने का काम जो है वो इस सरकार ने किया है। दो भगा दिए, एक पकड़ा गया, उसको सुरक्षित जो है वो जेल की सलाखों के पीछे लेके गए। अरे जो जो लोग इनको फंडिंग कर रहे हैं बाहर से, ये सब उनकी है। पंजाब सरकार जो है वो एक्टिव नहीं हुई और सुधीर सूरी को मरवाने का पूरा जिम्मा जो है वो पंजाब सरकार का है। आम आदमी पार्टी हमेशा सभी के ऊपर क्वेश्चन मार्क करती है, बड़ी बड़ी बातें जो है ये आम आदमी पार्टी करती है, लेकिन अपनी गिरबान में जाके इनपुट थी कि उन्हें खतरा है, उसके बावजूद उनकी हत्या होती है, क्या बोलेंगे? देखिए भारी सुरक्षा थी उनके पास, वही सुरक्षा उनके पास थी जो सुनने में है 15 से 17 बॉडीगार्ड उनके साथ हमेशा रहते थे।
उसके बावजूद किस प्रकार से मारे गए, ये क्वेश्चन मार्क है। और जिस प्रकार गोली चली और वो केवल सुधीर सूरी के ऊपर गोली चली और उसके बाद किस प्रकार से वीडियो के अंदर है, किस प्रकार से उनके जो सुरक्षा कर्मी थे वो किस प्रकार से भागते नजर आए हैं, ये भी सामने नजर आया। तो कहीं ना कहीं मिली वक्त जो है ये सरकारों के इसको कहीं ना कहीं आदेश थे कि मरवाना ही मरवाना है। अरे हिंदू नेताओं को इसी प्रकार से टारगेट करने का काम जो है ये पंजाब सरकार के अंदर किया जा रहा है। क्या ये पार्टी हिंदुओं के एंटी है, जैसे दिल्ली में हुआ, दिल्ली रॉयट्स हुए, अब अमृतसर या पंजाब में हो रहा है, और जम्मू के अंदर जिन नेताओं ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, जब उसके अलावा और कई सभी जो हिंदुओं की बात करने वाले थे उनको मरवाने का काम दिल्ली के अंदर किया गया। हम पहले ही चिल्लाते आ रहे कि ये हिंदू एंटी पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी, ये हिंदुओं को मरवाएगी, इसको फंडिंग है। बाहर के जो लोग देशद्रोही बैठे हुए हैं वो लोग इनको फंडिंग कर रहे हैं। तो ये हमेशा भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ ये पार्टी रही है। अब गुजरात के अंदर वो वहां पर जो सीएम है और जो इनका केजरीवाल है, जो इनका नेशनल संयोजक है, वो वहां पर प्रचार कर रहे हैं, हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का काम आज गुजरात के अंदर कर रहे हैं, हिमाचल के अंदर कर रहे हैं। लेकिन जहां पर इनकी सरकार है दिल्ली और पंजाब, हिंदुओं का चुन चुन कर मारा जा रहा है, हिंदू नेताओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई जवाब देते नहीं, इनसे मर रहा। तो हिंदुओं को सोचना पड़ेगा, उन सेकुलर हिंदुओं को भी सोचना पड़ेगा कि हिंदुओं को मरवाना है या हिंदुओं को बचाना है। तो इस केजरीवाल के बारे में हिंदू समाज सोचे, अभी भी समय है। हम जगाने का काम कर रहे हैं, हम हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं, हम हिंदुओं को बचाने का काम कर रहे हैं। हम इसी प्रकार से आवाज उठाते रहेंगे और हिंदू को बचाने का काम और हिंदू के हित में बात उठाते रहेंगे। और ये केजरीवाल जो है, जो बाहर की फंडिंग पे जी रहा है, जो बाहर की फंडिंग के ऊपर अपनी पार्टी चला रहा है, उनके बारे में हमारे देश के लोगों ने सोचना पड़ेगा। अनसा आने वाले दिनों में ये केजरीवाल जो है ये देश का बेड़ा गर्क कर देगा। आम आदमी पार्टी तो अरविंद केजरीवाल पर, बजरंग दल के राकेश जी ने निशाना साधा है, और वहीं पर भगवत मान की बात करें तो उन पर भी निशाना साधा गया। और वहीं पर कल जिस तरीके से ये वारदात जो है वो पेश आती है, उसके चलते बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया है। आपकी क्या दिशा है, अपनी राय जो है वो जरूर रखेगा। देखते रहिए टीवी नेटवर्क अपडेट के साथ, शिल्पा शर्मा के साथ, कैमरा पर्सन गोपाल।